हेलो गैस, तोहिद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मास्क उतार के बताने पड़ रहा, मास्क पहन लेता हूँ नहीं तो देखने के बाद। यहाँ जो है दिल्ली में मास्क बहुत ज़रूरी है। ये अभी जो उतार के हूँ, अगर देख लेंगे प्रशासन या पुलिस वगैरह तो 2000 की चलान काट देंगे। मतलब चलान काटना तय है। तो अभी तो मैं बोल ले रहा हूँ, देख रहा हूँ चारों तरफ अभी तो कोई है नहीं और नज़र रखते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ राजघाट से। तो अभी मैं राजघाट आ चुका हूँ, तो गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। ये रहा राजघाट, तो चलिए आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा। तो हम चलते हैं राजघाट की ओर और ये राजघाट की कुछ जानकारियाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। राजघाट यमुना नदी के तट पर, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ फूल, आप पढ़ लीजिएगा धीरे 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 धीरे। ये देखिए राजघाट की कुछ जानकारी है जो कि बाहर लिखा हुआ है और ये राजघाट लिखा है और यहाँ भी कुछ जानकारी है। तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये महात्मा गांधी के बारे में है जो कि महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, कैसे मैं पढ़ूँ दिखा दे रहा हूँ मैं। ये रहा और आगे है वो है इंग्लिश में, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं इंग्लिश में भी। तो चलिए जिसे इंग्लिश आता है वो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। और ये रहा कुछ जानकारी, तो धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ, मैं अंदर की ओर जाऊँगा, पहले ये देख लो। और इतना दूर से दिखा दे रहा हूँ मैं, कुछ सेकंड हो गया, इतना देर में वीडियो रोक के आप लोग पढ़ सकते हो। और ये रहा राजघाट गांधी समाधि। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे यहाँ लेके गया, तो पूरा हो गया है। आप लोग वीडियो रोक के भी आप लोग पढ़ सकते हो। और ये रहा कुछ नज़ारा बाहर की ओर की, और मैं आया हूँ उधर से यमुना नदी के पार होकर मैं आया हूँ, और कुछ नज़ारा अंदर की ओर। तो चलिए आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा आप लोग। और चलिए अंदर की ओर। तो मैं फाइनली अंदर आ चुका हूँ, तो मैं अंदर आ चुका हूँ। और कोरोना की वजह से भी चेक उक वगैरह हो रहा था यहाँ पे इस साइड की ओर, तो अंदर आ चुके हैं हम। और ये रहा कुछ नज़ारा अंदर की ओर, ये देखिए अंदर का कुछ नज़ारा यही है और काफ़ी बड़ा है। ये देखिए अभी कुछ काम वगैरह चल रहा है, यहाँ सिर्फ पानी वगैरह रहता है, फव्वारा वगैरह, शायद पानी वगैरह इसमें रहता होगा। और ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, ये सब और कुछ भी है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा है अंदर, आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये गांधी जी के ही बारे में है। और इधर पानी वगैरह कुछ है, तो चलिए इस सेट की ओर आपको लेके चलता हूँ मैं। ये क्या है नहीं है देखता हूँ इधर मैं, इधर क्या है क्या है। तो इधर झील है, ये देखिए झील वगैरह है, क्योंकि इसमें भी काम वगैरह चल रहा है। ये देखिए है ना, काम वगैरह चल रहा है, ये लग रहा है, ये जो है ना ये लग रहा है, देखिए वहाँ है ना, वहाँ लग रहा है ये। तो ये राजघाट दिल्ली का है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। वीडियो तो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा, क्योंकि कुछ जानकारी भी आप लोग को प्राप्त करना है, तो गांधी जी के बारे में जानना है कुछ, तो वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए देखता हूँ अंदर की ओर जाऊँगा और यहाँ क्या क्या प्रोसेस है। और यहाँ जो है आने के लिए पैसा नहीं लगता है, ये सिर्फ फ्री है, ऑफकोर्स फ्री, आप यहाँ फ्री में आ सकते हो। और मैं चलता हूँ ऊपर की ओर, तो चलिए। तो मैं ऊपर आ जा रहा हूँ, तो मैं ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ देखिए जूता चप्पल बाहर ही उतारे, मैं जाऊँगा नीचे, अभी मैं ऊपर आया हूँ, ऊपर से कुछ व्यू दिखा देता हूँ आपको, ऊपर से कुछ अच्छा और नज़ारा है नीचे का। तो ज़्यादा ये रहा नीचे,
चलते चलते थोड़ा सांस फूल गया, वो रहा मेन। जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। तो मैं नीचे जाऊँगा तो अभी ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। यही रहा मेन अंदर का, राजघाट का मेन यही है। तो इधर की ओर देखता हूँ, आगे की ओर चलता हूँ मैं। काफ़ी बड़ा है और यहाँ से राजघाट से फिरोजा कोटला स्टेडियम भी नज़र आता है। तो आपको मैं फिरोजा कोटला स्टेडियम भी दिखा सकता हूँ। इस सेट की ओर है फिरोजा कोटला स्टेडियम, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर से कुछ देख लो पहले, और वो रहा फिरोजा कोटला स्टेडियम। जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। बत्ती वगैरह जो है ना दिख रहा, ये देखिए दिख रहा ना, ये रहा फिरोजा कोटला स्टेडियम। ये देखिए ये सब जो बत्ती वगैरह दिख रहा ना, ये फिरोजा कोटला स्टेडियम का है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस करीब है, 1-2 किलोमीटर होगा तो यहाँ से नज़र आ जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये सब बत्ती वगैरह नज़र आ रहा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बत्ती यहाँ से नज़र आ रहा। ये रहा कुछ नज़ारा, और यहाँ से आप जामा मस्जिद भी देख सकते हो। ये रहा जामा मस्जिद का मीनार कुछ। तो चलिए, और ये देखिए इस सेट की ओर, और लोग देख रहे हैं, और ये रहा कुछ नज़ारा। तो अभी मैं नीचे की ओर जाऊंगा, तो चलिए। तो हम नीचे की ओर चलते हैं। तो हम नीचे की ओर आ चुके हैं, और ये रहा गेट, बोले तो एंट्री। और यहाँ जूते चप्पल पहले उतारने पड़ता है। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं, और जूते चप्पल कुछ भी पहन के आप लोग उतार दो पहले, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, और जूते चप्पल उतारते हैं। यहाँ कुछ फीस नहीं लगता है, निःशुल्क फ्री में सर्विस है यहाँ, जैसा कि आप लोग लिखा हुआ है, देखो फ्री सर्विस। तो चलते हैं अंदर की ओर, पहले जूते चप्पल उतार देते हैं। अभी जूते उतार दिया, और कुछ ये रहा लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं भारत प्रशांत देखता हूँ, वीडियो रोक क्या पढ़ सकते हो। तो चलिए अंदर की ओर। तो अंदर मैं आ चुका हूँ। ये रहा कुछ रास्ता, ये देखिए। और गांधी जी का समाधि जो बोले तो, यहाँ 2 अक्टूबर को भीड़ बहुत रहता है, आप लोग समझ सकते हो। गांधी जी का 2 अक्टूबर के लिए भीड़ बहुत रहता है। ये रहा समाधि, आपको पास से दिखाता हूँ मैं, जो कि राजघाट का मेन यही है। तो मैं पास आ चुका हूँ। तो ये रहा शांति भवन। तो ये कुछ नजारा है राजघाट का, देख लो शांति भवन। तो ये रहा कुछ नज़ारा राजघाट का। और इस साइड वगैरह आप नहीं जा सकते हो,
जो जो ये दिख रहा है ना बरियल, बस जैसे जैसे उसे जा सकते हो आप, और ज़्यादा उछल कूद करोगे तो पुलिस वगैरह यहाँ पे रहते हैं। और इधर से भी है गेट, और जो आप लोग देख रहे हैं कि वो सब उसड़ है, तो वो सब यहीं के रहें स्टाफ वगैरह, तो वो लोग के लिए तो अलाउ है ना, हम लोग के लिए अलाउ नहीं है। बस यही जो है ये सब लगा है, तो हम लोग के लिए यही के लिए अलाउ है, हम लोग इस साइड नहीं जा सकते हैं, लोग पुलिस वगैरह कुछ बोलेंगे। उधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है, और इस साइड से मैं आया हूँ। तो अभी तो बाहर जाने के लिए मैं उधर से तो नहीं जाऊँगा, जूता तो मैं उधर उतारा हूँ, तो उधर की ओर चलते हैं। और ये रहा शांति भवन, जो कि मेन यही है, और चलता हूँ बाहर की ओर। जूता पहन लिया हूँ और मैं चलता हूँ बाहर की ओर, मैं बाहर आ चुका हूँ, चलता हूँ इसके ऊपर। तो चलिए चलता हूँ ऊपर की ओर, उधर से है रास्ता ऊपर चढ़ने का, तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर का कुछ अलग ही व्यू है यार, जो देखने का मज़ा है ना, बहुत अच्छा लगता है। और राजघाट में आए और गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी आप लोग भी प्राप्त करें। और यहाँ जो आप क्या बोलूँ यार, सामने देख ही रहे हो, तो आप तो सामने देख ही लिए हो, क्या बोलूँ मैं। जी एफ आई नहीं है भाई, बंदी है, वाइफ है उसकी, तो ऐप के साथ तो घूमने के लिए आ सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, जीप के साथ भी आ सकते हो। तो ये रहा समाधि, और हम चलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि मैं घूम लिया हूँ पूरा, अब बाहर की ओर चलता है। तो बाहर की ओर चलते हैं हम। और ये रहा कुछ डिज़ाइनिंग, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यार। और ये रहा कुछ डिज़ाइनिंग ये सब का, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इधर से रास्ता है, तो मैं चलता हूँ बाहर की ओर। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, और कैसा रहा आपको राजघाट और गांधी जी के बारे में जानकारी? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लोग के पास शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर नए नए आए हो, क्योंकि मैं हर जगह का वीडियो का अपडेट देते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।